क्वेश्चन ये हुए हमें अंडर रूट के अंदर 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इंफिनिटी फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन को x लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 6 और अगर एक और नेक्स्ट टर्म लिखना चाहें प्लस अंडर रूट 6 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी, तो यहां पे जो ये वाला पार्ट है ये सेम हमने x सेलेक्ट किया था, तो हम इस पार्ट की जगह x पुट कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 6 प्लस ये वाला पार्ट हो जाएगा x, क्योंकि हमने यहां पे x सेलेक्ट किया था, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस x अंडर रूट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस x के अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर कराएंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इक्वेशन आ गई हमारे पास x स्क्वायर और ये 6 प्लस x इधर ले आते हैं माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें मल्टीप्लाई में चाहिए 6 और सम चाहिए माइनस x, तो ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, 3 टू जा 6 और माइनस 3x में से 2x ऐड होगा तो माइनस x ही बचेगा, इक्वल प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गई। नाउ फर्स्ट टू में से x कॉमन लेते हैं x माइनस 3 और इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं अगेन x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ गई हमारी 3 और x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमने x के इक्वल ऐड किया था, तो इस इक्वेशन की वैल्यू है 3 और माइनस 2।